जो मेरी आर्ट में जमा हुए हैं, तो मैं समझा कि बाकी ये कोई खुशी का मौका होगा क्योंकि हम खुशी के मौके पर जमा होते हैं। लेकिन एरिजोना ने आज अपना हिस्सा उन शहीद होने वालों के साथ डाल दिया, और मैं जब यहाँ आया तो बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जिन्हें बहुत अरसे बाद देखा, और मैं ये क्रेडिट भी उन शोधा को दूंगा कि उन्होंने हमें एक दफा फिर एक साथ कंधे से कंधा मिला के बिठा दिया। तो एक बच्चा, हम पूरी तरह अपडेट रहे इस वाक्य के सिलसिले में, एक महीने के बाद वो मौत और जीत की कश्मकश रैंप में रहने के बाद उसकी शहादत हुई। तो यकला उबैदुल्ला हीम का एक बंद याद आया, मैं पहले वो शेयर करता चलूँ आपसे, कि खुर्शीद मिसाल फूल कल शाम मिट्टी के सुपुर्द कर दिया है। खुर्शीद मिसाल फूल कल शाम मिट्टी के सुपुर्द कर दिया है, अंदर भी जमीन के रोशनी हो मिट्टी में चराग रख दिया है। तुम हुए शहीद, ये हौसला तुम्हारा है, तुम हुए शहीद, ये हौसला तुम्हारा है, जिंदा हूं ये मेरा हौसला है, और ये कैसी बिछड़ने की सजा है, ये कैसी बिछड़ने की सजा है, आईने में चेहरा रख गया है, अंदर से जमी बदल गई है, बाहर से जमा बदल गया है। बहुत अच्छा। अब मैं चंद शेर ये अपनी एक नज़्म लिखने की कोशिश कर रहा था, और इसका उद्गान है स्कूल। माँ ने बोसे दे कर भेजा प्यारे बच्चों को स्कूल, माँ ने बोसे दे कर भेजा प्यारे बच्चों को स्कूल, खबर नहीं ये प्यारे जुल्मत थी बर्बरियत थी शैतानों की जानिब से, जुल्मत थी बर्बरियत थी शैतानों की जानिब से, नन्हे शहीदों ने ही बचाया जन्नत सा अपना स्कूल। उस स्कूल की एक प्रिंसिपल थी जो बच्चों को अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन वो बच्चों के आगे आ गई, मोहतरमा ताहिरा काजी साहिबा, उन्होंने कहा कि एक भी बच्चा जब तक यहाँ मौजूद है आपको मेरी लाश में से गुजरना होगा, और दरिंदों ने उन्हें उन बच्चों के सामने जिंदा जला डाला। तो उनके शायर उसको किस तरह महसूस करता है उस कर्क को जरा मुलाहिज़ा फरमाएं। फर्शो अर्श गवाही देंगे उस अंदाज़े शहादत की, फर्शो अर्श गवाही देंगे उस अंदाज़े शहादत की, गिर के मर के जल के बचाया टीचर ने अपना स्कूल। बहुत अच्छा, गिर के मर के जल के बचाया टीचर ने अपना
इस पूर मौत तो नी जानी शहर पढ़ते थे वो किताबों में वाह मौत तो नी जानी शहर पढ़ते थे वो किताबों में अच्छा सबक हम सब को सिखाया कि जान से प्यारा है इस बहुत अच्छा मेरे वतन को अल्लाह रखे पाक सभी इबलीसों से बहुत अच्छा मेरे वतन को अल्लाह रखे पाक सभी इबलीसों से जन्नत ही था उनका ठिकाना वो है शहीदों का वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे माँ ने बोसे दे कर भेजा प्यारे बच्चों को इसको खबर नहीं थी नाएंगे अब वापस ये प्यारे बहुत अच्छे सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए और मुंतजमीन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले दिनों फेसबुक पर एक जुमला नजर से गुजरा कि हम सानहे पेशावर कभी न भूलें। इस मौसम पर कई नज़में कई तकदीरें कई कॉमेंट्स नजर से गुजरे लेकिन इसमें सिर्फ ये जुमले लिखना नज़में पोस्ट करना कॉलम लिखना बहुत आसान होता है इसलिए कि हम रोज जैसे रोजमर्रा जिंदगी में हम एक दूसरे से कहते हैं आई नो हाउ यू फील बट एक रस्मी जुमला है जो हम एक दूसरे से कहते हैं। यहां पर एक मिसाल है कि इफ यू वांट टू फील अबाउट समबडी यू गॉट टू बी इन देयर शूज। मेरा नजरिया इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। If you want to feel about somebody, then you got to be in their shoes and walk a few miles to feel how they're feeling. मैं और आप उन माँ बाप के एहसासात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजा उन्हें जाता हुआ देखे मुस्कुराए भी होंगे बच्चों ने पीछे पलट के माँ को शरारत से देखा भी होगा स्कूल से वापस आने का प्लान भी बना होगा ये भी प्लान बना होगा कि कहाँ जाना है क्या करना है